विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो।
हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले, अदृश्य नियम सभी पर काम करें, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें, ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं, शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे, सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाए, इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाए, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाए, इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाए, इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है, सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है, सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्मनियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है, सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं, ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है, सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सभी इस राज्य में खुश हैं, शुभ्र प्रकाश में हर वायरस,
हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं, वे अपने तप का बल समर्पित करेंगे। तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वो अलग से अलग जो है उसे प्राप्त करके उस यात्रा में चलते, अमोक्ष से मोक्ष की यात्रा। युद्ध है अमोक्ष से मोक्ष की, तो वहां से ये निर्णय निकले तब ये हमारे लिए सहज होगा। वरना कहोगे हम क्यों ऐड करें, हमें क्या मिलने वाला है। विज्ञापन जो करते हैं उनको कुछ मिलता है ना, तो हम क्यों करें। मगर समझ में आएगा कि आप अपने लिए ही कर रहे, आप वैसी व्यवस्था कर रहे चारों तरफ ताकि वो पूर्व अवस्था खो न पाए। वो खो जाती है माया का विज्ञापन देख देख के। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिनको भी क्लियरिटी होगी वो चाहेंगे ऐसी व्यवस्था हो। और अपनी मान्यता से जो बात पकड़ कर रखी थी वो आसानी से छूट जाएगी। व्यक्ति बनकर जो विज्ञापनों में अटक रहे थे वो टूट जाएगी। एक इंसान की लॉटरी लगी, अब वो अपनी मान्यता से कैसे देख रहा है। लॉटरी लगी तो एक बड़ी बात हुई, मुझे पैसे लेने गया तो बताया गया इतना इतना टैक्स काट कर तुमको मिलने वाला है। बड़ा गुस्सा आ गया कि विज्ञापन तो किया 1,00,000 मिलेगा, 1,00,00,000 मिलेगा, करोड़पति बनेंगे और इतना सब काट कर दे रहे। तो लॉटरी लगी है, पैसे उसको कम मिल रहे, तो बड़ा गुस्सा आ गया है। पूर्व मान्यता में है अपनी, बड़ा गुस्से में है, बोलता नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, 10 रुपये लौटाओ। मेरे 10 रुपये लौटाओ। कपट करते हो, झूठ बोलते हो, मेरे 10 रुपये लौटाओ। अब वो क्या बोल रहा है उसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो क्या खो रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो पूर्व मान्यता से देख रहा है, जिन मान्यताओं में उलझ गया है, जिनसे बाहर निकालने के लिए सब बातें हैं। हर प्रहार, हर हथौड़ा, गुरु का हर प्रहार उसके लिए है, मगर पता नहीं है। तो वो उसी मान्यता से जज करता है, विवाद करता है, वाद विवाद करता है। तो ये मान्यता टूटे, अगर ये वाद विवाद करते वक्त अंदर से क्लिक हो कि कहीं मैं अपने पुराने पैटर्न से ही तो उस चीज को नहीं देख रहा, तो ये कैसे होगा। जिस चीज से उठाना चाहता हूं उसी चीज को तो उठाना है, जिस चीज से उठाना चाहता हूं उसी चीज को उठाना है। जो चिमटा रखा है उसी को ही हटाना है, और हम उसी से हटाने की क्रिया कर रहे कि इससे मुझे किसी को हटाना है। चिमटा है, अब चिमटे को चिमटे से कैसे उठाए, उसी चिमटे को उसी चिमटे से कैसे उठाए। तो जब कृपा होती है, गुरु कृपा का इसलिए महत्व है कि मन जो नहीं कर पाएगा, मन जो खुद से नहीं कर पाएगा, गुरु कृपा ही वहां काम में आती है, वही उसे हटा सकती है। और वहां भक्ति जगी हो तो ये संभव है।
वरना वो अपने वाद विवाद में अटक कर गिव मी माय मोक्ष नहीं कहता, गिव मी माय मनी। तो मनी और मोक्ष में वो निर्णय नहीं ले पाता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।